नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की। कानपुर के विकरू में हुए शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे गुरुवार को सुबह उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वह महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उसे पिछले 6 दिनों से खोज रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी टीम ने उसे संदिग्ध जानकर पकड़ लिया था। इसके बाद महाकाल थाना पुलिस को सूचना दी। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि विकास महाकाल मंदिर परिसर में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि मैं विकास दुबे हूं, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। गिरफ्तारी कैसे हुई इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। विकास को पकड़ने वाले सिक्योरिटी गार्ड गोपाल सिंह ने बताया कि मैंने शक होने पर उसे पूछताछ के लिए रोका तो वह आनाकानी करने लगा। मुझे और शक हुआ तो मैंने पुलिस को बुला लिया। इस पर उसने मेरे साथ छीना झपटी की। थोड़ी देर में पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। शिवराज ने विकास को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने की बात कही है। आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कब क्या हुआ। 2 जुलाई को विकास दुबे को गिरफ्तार करने 3 थानों की पुलिस ने विकरू गांव में तवीश दी। विकास की गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। 3 जुलाई पुलिस ने सुबह 7 बजे विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे का एनकाउंटर कर दिया और इसमें 20 से 22 नामजद समेत 60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। 5 जुलाई पुलिस ने विकास के नौकर और खास सहयोगी दयाशंकर उर्फ कल्लू अग्निहोत्री को घेर लिया। पुलिस की गोली लगने से दयाशंकर जख्मी हो गया। उसने खुलासा किया कि विकास ने पहले से प्लानिंग कर पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। 6 जुलाई पुलिस ने अमर की मां क्षमा दुबे और दयाशंकर की पत्नी रेखा समेत 3 को गिरफ्तार किया। शूटआउट की घटना के वक्त पुलिस ने बदमाशों से बचने के लिए क्षमा दुबे का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन क्षमा ने मदद करने की बजाय बदमाशों को पुलिस की लोकेशन बता दी। रेखा भी बदमाशों की मदद कर रही थी। 8 जुलाई STF ने विकास के करीबी अमर दुबे को मार गिराया। प्रभात मिश्रा समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 9 जुलाई प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे एनकाउंटर में मारे गए। विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की CDR सार्वजनिक करे जिससे सच्ची मिलीभगत का भांडाफोड़ हो सके। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।